राधिकामृतगामहे कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परमारथ गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रति पुष्पांजलि अर्पण कर तत्पश्चात सन्यासी गण ब्रह्मचारी गण सज्जन एवं सज्जन वैष्णवी गण बड़ी खुशी की बात है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। पांच दिन की परिक्रमा समाप्त हुई। 16 से 17 हजार आदमी आए, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये सब कृपा महाप्रभु की है। हम लोग तो हाथ उठा दिया। महाप्रभु जी इतने लोगों की सब व्यवस्था करते हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई, वर्षा आंधी नहीं हुई, ये भगवान की बहुत कृपा है। आज हम लोग जन्नोदी और मामगाछी गए थे। जन्नोद्वीप की कथा और मामगाछी की कथा हमारे श्रीमान तीर्थ महाराज जी ने बतलाया। मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद करूँ। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को लेकर वनवास के समय में मामगाछी में आए थे। यहाँ की शोभा देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कोयल कूक रही थी, कोयलें कूक रही थी, आम वृक्ष के कतार के कतार चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। रामचंद्र जी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा और वहीं एक वट वृक्ष था, इसलिए उसको माम गाछी कहते हैं। गाछी मैंने पे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा, यहीं पर एक छोटी सी कुटी बनाओ और यहीं पर हम रहें। लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई उसी पट वृक्ष के नीचे। अयोध्या से मेरा प्रिय धाम है, इसलिए मैं यहाँ आया। और हंसने का कारण यह है कि मैं धन्यकली में मैं सची मैया के गर्भ से जन्म लूंगा। कौशल्या मैया की सची मैया होंगी और तुम सीता जी विष्णु प्रिया होगी। और उस समय में कुछ दिन प्रेम का प्रचार करूंगा और इसके बाद में संन्यास लेकर के मैं बाहर निकल जाऊंगा। उस समय में हमारी माता सची देवी विष्णु प्रिया को गोदी में लेकर रोएंगी, विलाप करेंगी। सीता जी ने कहा, क्यों तुम संन्यास लोगे अपनी गृहिणी को छोड़ करके? उन्होंने कहा, जे देखो तुम तो सभी कुछ जानती हो, मुक्त जैसा कह रही हो। प्रेम के दो पहलू होते हैं, मिलन को संभोग का और विरह को विप्रलम्भ का। विरह और मिलन में, मिलन तो सभी चाहते हैं किंतु मिलन के बाद में जब विप्रलम्भ विरह होता है तो ये संभोग की पुष्टि करता है। क्या तात्पर्य?
केवल मिलन ही मिलन रहे। समुद्र में यदि लहरें ना हो केवल ऐसा ही रहे तो उसकी कोई उसका कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार से प्रेम में भी दो पहलू, एक मिलन और एक विरह। विरह मिलन की पुष्टि करता है, मिलन के बाद में यदि विरह हो तो फिर जब मिलन होता है तो उसमें बहुत आनंद बढ़ जाता है। तो इसलिए देखो, जब मैं कुछ दिनों के बाद में संन्यास लेकर के चला जाऊंगा तो उसमें विरह होगा। विरह में तुम विष्णु प्रिया हमारी मूर्ति सचिनंदन गौरहरि काष्ट की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। क्यों करेंगी? देखो अभी बतला रहा हूं तुमको, अभी वन से हम लोग जब जाएंगे अयोध्यापुरी में राज तिलक हो जाएगा, कुछ दिन के बाद में एक धोबी कहने से मैं तुम्हें सदा के लिए प्रत्याग कर दूंगा। उस समय तुम विलाप करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में जाएगी और उन्होंने तब तक रामायण वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी, उसमें यहां तक भी लिख दिया था, जो जो लीलाएं हो रही थी उसको लिखते चले जा रहे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण रचना वहां तो उसमें सीता जी वहां जब गई बड़ी विलाप कर रही तो उन्होंने नाम को प्रकट नहीं करके उसका सीता जी का नाम वन देवी रखा और वहीं पर लव कुश पैदा हुए। लव कुश को वाल्मीकि जी ने अस्त्र शस्त्र जबतीय सब कुछ की शिक्षा, सीता जी ने भी उनको धनुष बाण की शिक्षा दी, समस्त विद्याओं में पारंगत बड़े वीर हुए और वाल्मीकि जी ने उनको मूर्छना और अवरोह आरोह से वाल्मीकि रामायण का गायन सिखलाया। वीर भी गायक भी बड़े सुंदर, दोनों का कंठ बड़ा सुरीला। तो रामचंद्र जी जब सीता जी के वियोग में उन्होंने स्वर्ण सीता की स्थापना की और स्वर्ण सीता के साथ में यज्ञ कर प्रति वर्ष उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और सीता जी जागृत हो गया। कुछ दिनों के बाद रामचंद्र एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय में दोनों लड़कों ने भरत जी लक्ष्मण जी सारी सेना को हरा दिया, हनुमान सुग्रीव सबको बांध दिया, इसे अद्भुत कर रहे। और फिर राम की सभा में जाकर वाल्मीकि रामायण पे ऐसा सुंदर कीर्तन किया सभी लोग रोने लगे। कौशल्या मैया ने देखा कैकेयी और सुमित्रा, उन्होंने कहा उम्र इसकी अभी बच्चों की छोटी छोटी कुमार उम्र है, ठीक रामचंद्र जी के समान ही ये लगते हैं। यदि सीता जी होती तो उसके पुत्र ऐसे ही हुए। इसके बाद में उनका गायन सुन करके रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, समझते तो सब कुछ है कि हमारे पुत्र हैं किंतु प्रकट नहीं करते। लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण सोने के थाल में रत्नों से भर करके ये
ले जाओ कायम करने की खुशी में मैं उपहार दे रहा हूं। लक्ष्मण जी गए, सबसे पहले पूछा तुम लोगों का परिचय कौन है, तुम्हारे पिताजी और माताजी का नाम क्या है। तो लक्ष्मण जी को जवाब दिया, आप तो बड़े विद्वान हैं, किंतु इस प्रकार से क्यों कहते हैं, आप पूछते हैं। हम ब्रह्मचारी हैं, हमारा केवल परिचय माता पिता नहीं, हमारा परिचय है हमारे गुरु वाल्मीकि जी। किसी ब्रह्मचारी सन्यासी का परिचय पूछने पर हर का परिचय न दे करके गुरु का परिचय देना अच्छा। गुरु का परिचय ही हम लोग दिया करते हैं, संसारिक परिचय। आप ऐसा पूछ रहे हैं तो लक्ष्मण जी लगी, फिर उन्होंने रत्न से भरा हुआ थाल उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तो वनवास में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम इनसे क्या प्रयोजन, ये तुम्हारे खजाने में ही रखो। वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, वहाँ आश्रम में जो कुछ फल फूल खिले आम अमरूद होते हैं इसी से हमारा चलता है। लक्ष्मण जी सुनकर के बड़े आश्चर्यजनक, रामचंद्र जी ने कहा, सोचा बोल रहो ये सीता जी जरूर कहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में ही है। उन्होंने वाल्मीकि जी को बुलाया, मैं समझता हूं कि सीता जी आपके आश्रम में, मैं चाहता हूं कि कल उनको बुलाओ और बुला करके वो भरोसा दिलाए कि मैं पवित्र हूं। दूसरे दिन लोग उसको साथ लेकर सीता जी वहां पर आएंगे। रामचंद्र जी ने उनसे कहा, तुम पतिव्रता हो बात ठीक है, किंतु तुम अयोध्या वासियों को भी प्रमाण दो जो मैं पवित्र हूं, मैं पतिव्रता हूं। ओ अभी भी महाराज दशरथ ने, देवताओं ने और महर्षि वाल्मीकि जी ने सबने कहा कि मैं पवित्र हूं, तो भी आपको मेरी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा। तो उस समय में सीता देवी ने कहा, यदि मेरा मन राम को छोड़ करके और कहीं नहीं गया हो तो हे धरित्री देवी, तुम माता हम तुम फट जाओ और तुम अपनी गोदी में ले लो। तीन बार ऐसा कहा और वहीं पर पृथ्वी देवी फोड़ करके और उसमें सोने का सिंहासन लेकर के प्रकटित हुई और सीता जी को अपने अंकों में लेकर के फिर जमीन बंद हो गई। रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के उठे, हे पृथ्वी माता तुम्हारी ससुर मेरी सास लगती हो, सीता जी को निकालो और मैंने धनुष बाण से तुम्हें भस्म कर दिया। वाल्मीकि जी ने बोले हो गया, यही तक रामायण हमने लिखा था, अब आप धैर्य का धारण करें और वैकुंठ में ही उनसे मिलन होगा। पहले वो चली गई हैं, आपके लिए वो प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार रामायण का अंत हुआ, विरहांत हुआ, यह है विरह। उसी के बदले में विष्णुप्रिया जी ने इस लीला में महाप्रभु जी की काष्ठ दारुमयी मूर्ति को पूजन कर उनके विरह में मग्न हो गए। रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दिया और महाप्रभु की लीला में राम ही सचिनंदन कौहरी होकर के उन्होंने सीता जी को अर्थात तो विष्णुप्रिया जी को तो घर में रखा और अपना संन्यास लेकर के चले गए, जैसे सीता जी को बाहर।
इस प्रकार से रामचंद्र जी की विरहमयी मिलनमयी संभोग और प्रभोग की ऐसे ही लीलाएं हुआ करते ये सब आज वहाँ पर माम गाछी में हुआ, इसके संबंध में और लोग बोले हुए। कल हम लोगों का प्रोग्राम होगा, उसमें अभी ये बतलाएंगे और ये भी बतलाएंगे। तो क्या प्रोग्राम